आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस राजनीति से करेंगे जिसमें छपास वाली प्यास बहुत ज्यादा है, और इस प्यास को बुझाने के लिए हमारे देश के कुछ नेता अखबारों के फ्रंट पेज को अपने कब्जे में देखना चाहते हैं। यानी इन नेताओं के लिए स्थिति यह है कि प्राण जाए पर फ्रंट पेज ना जाए। शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का जो छापा पड़ा था, उस छापे को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने सारे फ्रंट खोल दिए और उनकी तरफ से आज चारों दिशाओं में तीर चलाए गए। सीबीआई के इन छापों पर सवाल उठाने के लिए जितने भी कारण हो सकते थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने वो सारे कारण आज देश को गिना दिए। उन्होंने जो पहला तीर चलाया उस पर ऑपरेशन लोटस लिखा था। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को तोड़ने का ऑफर मिला था, और जब उन्होंने इससे इनकार कर दिया तो सीबीआई उनके पीछे पड़ गई। उनका यह कहना है कि बीजेपी के एक नेता ने उनसे कहा कि वो आम आदमी पार्टी को तोड़ दें, हम उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे और जो केस उनके ऊपर चल रहे हैं ये सारे भी हट जाएंगे। ऐसा ऑफर उनके पास आया। दूसरा तीर उन्होंने जो चलाया वो महाराणा प्रताप के नाम का था। मनीष सिसोदिया ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं और राजपूत हैं, इसलिए वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, अपना सिर कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तीसरा तीर जो उन्होंने चलाया उस पर भारत रत्न लिखा था। आज अरविंद केजरीवाल ने यह मांग की कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों का जो कायाकल्प किया है उसके लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। और चौथा तीर जो उन्होंने चलाया उस पर द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा था। केजरीवाल का कहना है कि अमेरिका के इस अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर मनीष सिसोदिया को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताते हुए उनके बारे में इतनी बड़ी खबर छापी है, इसलिए उनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है जो कि बहुत गलत है। यानी आप देखेंगे तो इस मामले को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी ने सारे फ्रंट खोल दिए हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक फ्रंट खोला, जाति का फ्रंट खोला और भारत रत्न की मांग करके इस पर भी एक नई बहस की शुरुआत कर दी। और सोचिए यह भी कितनी अजीब बात है कि आज जब से अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न की मांग की है तब से हमारे देश में उनके शराब घोटाले की अब कोई चर्चा ही नहीं हो रही। और इसीलिए हमने शुरू में कहा कि अभी बीजेपी को आम आदमी पार्टी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और आम आदमी पार्टी अब ये बात अच्छी तरह से, इस कला को अच्छी तरह से सीख चुकी है कि कैसे देश तक अपनी कहानी पहुंचानी है, कैसे पूरे देश के लोगों की सहानुभूति लेनी है और कैसे वो बीजेपी पर प्रचार के माध्यम को लेकर अब हावी हो रहे हैं। इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। आज मनीष सिसोदिया जब गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने एक शानदार रोड शो किया जिसमें उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनसे हाथ मिलाने के लिए बेचैन दिख रहे थे। अहमदाबाद में ही मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने के गंभीर आरोप लगाए। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग उनके पास यह संदेश लेकर आए थे कि अगर वो आम आदमी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन्हें बीजेपी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देगी और सीबीआई और ईडी ने भी उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज किए हैं, जो मामले दर्ज किए हैं वो तमाम वापस हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी के किस नेता ने उन्हें यह ऑफर दिया है उसका नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है और वो अरविंद केजरीवाल का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले आप उनका यही सबसे बड़ा बयान देखिए जिसने बीजेपी को बिल्कुल अनसेटल कर दिया है। बहुत शॉकिंग था कि मेरे पास मैसेज आया कि दो मैसेज थे, दो पार्ट थे उस मैसेज के, कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के सीडी के सीबीआई के केस चल रहे हैं इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है वहां पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में। जिन्होंने मुझे मैसेज दिया उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था,
फिर नारायण राणे जी से लेके और जो और ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है, तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए, हम लोग इसमें हैं, हम ही ज्वाइन कराते हैं। जयंत पांडा जी को भी हमने ही ज्वाइन कराया था। तो अब आप पूछ लीजिए उन लोगों से, उनको किसने ज्वाइन कराया था।